मामले में राजा भैया के खिलाफ पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। हुए सनसनीखेज खुलासे, मारपीट में लगी चोटों की तस्वीरें भी की दाखिल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं ट्रिगर न्यूज पर। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ तलाक के मामले में उनकी पत्नी भानवी कुमार सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया के खिलाफ तलाक मामले में भानवी सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने साकेत कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि रघुराज प्रताप के तलाक मामले में प्रॉपर्टी एंगल का झूठ गढ़ा गया है। उन्होंने जवाब में खुलासा किया कि अवैध रिश्ते और टॉर्चर का लगातार विरोध किया। भानवी कुमारी ने कोर्ट में कहा कि इसी विरोध के चलते राजा भैया ने पहले मारपीट की, डराया धमकाया और फिर तलाक का मुकदमा किया। भानवी सिंह ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में 23 अप्रैल 2015 को उनके साथ की गई मारपीट की घटना का जिक्र किया। जवाब में कहा गया कि उन्हें बुरी तरह मारा गया और हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। अपने जवाब में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स और उस समय की तस्वीरें लगाई हैं। उन्होंने खुलासा किया कि राजा भैया ने अवैध प्रेम संबंध को लेकर हुए झगड़े में अपने महल के कमरे में फायरिंग भी की, जिसमें भानवी सिंह बाल बाल बची थी। अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर 2020 से राजा भैया ने भानवी सिंह को अपने घर आने से रोक रखा है। इसके साथ ही अपने ससुर की देखरेख में बच्चों के साथ भद्री में रहने को मजबूर किया। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दावा किया कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और देखरेख का जिम्मा भी उठा रही हैं। इसी के साथ रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी ने राजा भैया के अवैध प्रेम संबंधों के सबूत भी साकेत कोर्ट में दाखिल किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।